निमित्त की दृष्टि वाले को कभी द्रव्य दृष्टि नहीं होती। गुरुदेव श्री से पूछा, सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न का जवाब बता रहा हूं। गुरुदेव से पूछा कि सम्यक दर्शन में बाधक क्या है। कितना इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्या प्रश्न पूछा? और ज्ञान गोष्ठी में पढ़ लेना, सम्यक दर्शन में बाधक क्या है। तो गुरुदेव श्री ने जवाब दिया, निमित्ताधीन दृष्टि सम्यक दर्शन में बाधक है। अब इस जवाब में गुरुदेव श्री ने हजारों ग्रंथों का सार भर दिया है। इतनी सी लाइन इसकी जब व्याख्या करने बैठते हैं ना, तब पता चलता है कि गुरुदेव श्री ने सूत्र बताया। निमित्ताधीन माने देव साधु में सम्मिश्रण हो जाएगा, निर्मल परिणामों से सम्मिश्रण हो जाएगा, दयादान पूजा भक्ति करने सम्मिश्रण हो जाएगा, मंदिर बनाने सम्मिश्रण हो जाएगा, तत्व प्रचार करने से सम्मिश्रण हो जाएगा, ये सब उसमें पड़ा हुआ है। सच्चे सम्यक दृष्टि ज्ञानी मिल जाए तो सम्मिश्रण हो जाएगा। कई लोगों ने बना रखे अपने अपने सम्यक दृष्टि, ख्याल में है ना, और वे कहते हैं कि ये सम्यक दृष्टि है और हम भी कह रहे चलो है, ख्याल में है ना। सो तुम इतने दिन से तुम क्यों नहीं हो रहे, समझ में आए कि नहीं आए? तुम तो चरण पकड़ के धोने को तैयार हो और धो के पी रहे हो, तो हो क्यों नहीं रहे? तुम्हारी परिणति तो हमें अज्ञानियों से भी ज्यादा खतरनाक लगती है। सरलता दूर दूर तक दिखाई नहीं देती, मायाचार भरा पड़ा दिखाई देता है। कहाँ कहाँ कौन से सम्मिश्रण से झड़ रहा है भाई? है सम्यक दृष्टि निमित्ताधीन दृष्टि है ना, कि सब सम्यक दृष्टि मिल जाए तो मिल तो क्या सम्यक दृष्टि, फिर क्यों नहीं होता? अरे सुनो, सम्यक दृष्टि तो छोड़ो, साक्षात समोसरण में विराजमान तीर्थंकर परमात्मा बैठे मिल जाए तो भी वे तेरा कुछ नहीं कर सकते। जब पूज्य गुरुदेव श्री ने जब इस तत्व की उद्घोषणा करी तो पूज्य गुरुदेव श्री बोलते थे कि समोसरण में बैठे विराजमान तीर्थंकर परमात्मा भी तेरा भला नहीं कर सकते। तो बेनाडा जी कहते थे ये बात मेरे को बर्दाश्त नहीं, बेनाडा जी हम नहीं रहे, ये बात ये अवर्णवाद है, तीर्थंकर ये बात बोलनी चाहिए, तीर्थंकर परमात्मा भला नहीं करते। अरे लाखों करोड़ों जीवों को तत्व सुनाते हैं, सम्मिश्रण की प्राप्ति में नियंत्रण आप कहते भला नहीं करते। समझ नहीं पाए उन्हें कहां से गई थी, तुम शब्दों में पकड़ के रह गए। तुम कह रहे ये अवर्णवाद है, तुम कह रहे ये तीर्थंकर की अभिनय नहीं है। सुनो, तीर्थंकर की अभिनय नहीं है, सबसे ज्यादा विनय इसी में है। अगर तीर्थंकर परमात्मा से पूछते कि बोलो ये सही कह रहा है कि नहीं, ये ही सही कह रहा है, कौन किसका करे? अरे जिन शासन इसलिए तो महान है कि यहां कोई किसी का करता नहीं है, सब स्वयं अपने अपने करता है और अपने अपने भगवान है। यही तो जैन धर्म की मानता है।